नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी बुलेटिन के पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को लेकर सवाल पूछा है। कुशवाहा ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर में कृषि कानून लागू नहीं हुए तो इससे क्या नुकसान होगा। रालोसपा अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि नए कृषि कानून नहीं लागू होने से देश पर इसका क्या प्रभाव होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर देश भर के किसान नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। केंद्र सरकार को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों ने हमेशा यह बताया है कि नए कृषि कानूनों से किस तरह का नुकसान है। नए कृषि कानून पूंजीपतियों को कृषि क्षेत्र में जबरदस्त ताकत देते हैं और इससे पूंजीपतियों का किसानों के ऊपर आधिपत्य बढ़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि नए कृषि कानून को क्यों नहीं रद्द किया जाए। कहा थी लाल किला में, हम आप अगर जाना चाहें तो वहाँ पुलिस खड़ी रहती है, डैना पकड़ के बाहर कर देगी। उस दिन पुलिस कहाँ चली गई थी? किसकी जवाबदेही थी उसको सुरक्षा देने की? किसकी जवाबदेही थी? झंडा तोलन होता है हर साल, हुआ, और जो झंडा हमारा था उसको सुरक्षा देने की जवाबदेही हमारी थी क्या? किसकी जवाबदेही थी सुरक्षा देने की? नहीं जवाबदेही थी, उनको जवाबदेही का निर्वहन किया, उनको नैतिकता के आधार पर बताना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत सुरक्षा देने वाले लोग हैं, वह गलत हुआ, लेकिन कानून गलत है। दोनों मामला को जोड़कर मत देखिए, या आप लोगों से भी आ जाए किसान मामले पर तमाम लोग सड़क पर, आप लोग आने की तैयारी कर। आंदोलन शुरू किया, सड़क पर लोग उतरे तो हमारी पार्टी ने भी समर्थन उस वक्त भी दिया, और भारत बंद का जब आह्वान हुआ उसमें भी हमने समर्थन दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि बिहार में, खासकर जहां हम लोग हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों तक यह बात ठीक ठीक पहुंच गई है कि कानून से क्या नुकसान होगा। बिहार विधान परिषद में नवनियुक्त विधान पार्षदों ने शपथ ली। नवनियुक्त विधान पार्षद शाहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी ने शपथ लिया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित विधान परिषद और विधानसभा के सभापति मौजूद रहे। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूं कि मैं कानून के जरिए ना फाजिल अमल आईन हिंद के तई सच्ची अकीदत रखूंगा और हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद व सालमियत कायम रखूंगा, और जिस ओहदे पर मैं फायज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं मुकेश साहनी, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखूँगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। Yeah.
जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे सैकड़ों किसानों और आम लोगों के साथ साथ पार्टी के नेताओं के साथ एक दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। अमरण अनशन पर बैठे पप्पू यादव ने गुरुवार की रात गाजियाबाद बॉर्डर पर हुए हंगामे मामले को लेकर बोलते हुए कहा कि आखिरकार किसान संगठनों के बीच जाने वाला सिद्धू कौन है, किस हैसियत से उसने किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची है। दूसरी ओर पप्पू यादव ने एक दिवसीय अनशन के जरिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है और सरकार से जल्द इस बिल को वापस लेने की मांग भी की है। 133 किसान अभी तक मर चुके हैं। आप या मोदी जी या आपकी सरकार क्या उस 133 परिवार में किसी से मिले? कल आपको अचानक ये याद कैसे आ गई? चोट लगा है आपको, किसान याद नहीं आए? 63 दिन शिमला से ज्यादा ठंडों में हमारी माँ बहन बैठी है, तब आपको हम याद नहीं आए? आपने एक साजिश के तहत किसानों को ट्रैक्टर मार्च करने का आदेश दिया और उसमें अपनी जमात को इन्वॉल्व किया ताकि कॉमन मैन और किसान के बीच टकराहट पैदा किया जाए, जबकि एक भी साइकिल मोटरसाइकिल एक भी दुकान को कोई टच तक नहीं हुआ। फिर आईटीओ गोलंबर पर 10,000 किसान को ले जाने की साजिश किसने रची? और जो किसान ट्रैक्टर से पलटे, क्या उसको आंसू गैस के गोले के बाद, अनबैलेंस के बाद क्या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग में किया? किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला को लेकर महागठबंधन में शामिल घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आया, एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। इंसानियत खत्म हो गई है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, गजब का पलटी मारे है। बिहार के किसान जल्द साथ देंगे, जल्द से जल्द मंडी की व्यवस्था लागू की जाए। तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करेगा। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जाकर के देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। इन दिनों बाइक चोरी की घटना लगातार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हवाई भी चोरी होने का मामला भी सामने आया है। ताज़ा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां करमाली चक इलाके से पिछले दिनों गायब हुए हवाई ऑटो को पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बेदारी टोला बाउंड्री नुमा गैरेज से बाईपास थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ बरामद किया है। फिलहाल कड़ी पूछताछ के बाद हवाई ऑटो चोर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।